दोस्तों, इस समय अंबानी परिवार में हुई शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की चर्चा हर तरफ हो रही है। अंबानी परिवार की ये ग्रैंड शादी ऐसी है जिसमें देश विदेश के कलाकार, नेता, अभिनेता सभी मौजूद थे। अनंत और राधिका की शादी का कार्ड तो इतना महंगा था जिसकी हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शादी में करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च कर दिए गए। सच कहूं, मेरे दिल की बात कहूं तो इतना पैसा अगर भारत के गरीब लोगों के ऊपर खर्च हुआ होता तो भारत की आधी गरीबी तो यूं ही खत्म हो जाती। खैर, हमें क्या करना, पैसा था अंबानी साहब का, उनकी मर्जी, वो जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करें। वैसे अंबानी साहब गरीबों के लिए भी बहुत काम करते हैं। अंबानी परिवार की सबसे छोटी बहू बनी राधिका मर्चेंट अपनी शादी में किसी खूबसूरत परी से कम नहीं लग रही थी। वो बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी। जब अंबानी परिवार की बहुओं की बात चली है तो आइए आज आपको अंबानी परिवार की एक और बहू के बारे में बताती हूँ, जिनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा लेकिन उनके जीवन की सच्चाई आपको शायद ही पता हो। तो मैं बात करूं उस अंबानी परिवार की उस बहू की, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप लोग पहले की तरह मेरे वीडियोस को अपना प्यार नहीं दे रहे हैं, तो फटाफट से चलते हैं वीडियो की तरफ। अंबानी परिवार की उस बहू की जो अपने समय की एक टॉप एक्ट्रेस थी, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टीना मुनीम की, यानी कि टीना अंबानी जी की। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी टीना अंबानी जी के जीवन से जुड़ी हुई बातें, कैसे वो टीना मुनीम से टीना अंबानी बनी। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बॉलीवुड की खूबसूरत हसीना का टीना मुनीम से टीना अंबानी बनने का सफर आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बॉलीवुड के आकाश में कभी एक चमकता हुआ चांद हुआ करती थी टीना अंबानी। रोशनी बिखेरती, मन मोह लेती, पर कभी धरती पर उतरने की उनकी ख्वाहिश नहीं जगी। आइए आज देखते हैं उनके जीवन से जुड़ी ये वीडियो। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर एक गुजराती परिवार में जन्मी निवृत्ति मुनीम, 1957 में इनका जन्म हुआ। इनका फिल्मी सफर यूं ही अचानक शुरू हो गया किसी सपने की तरह। एक अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में इन्हें जीत हासिल हुई और देवानंद की नज़र इन पर पड़ी। बस फिर क्या था, 1978 में आई देश परदेश से टीना ने एंट्री की फिल्म इंडस्ट्री में। भले ही फिल्म कुछ खास नहीं चली मगर टीना मुनीम की खूबसूरती पर लोगों की नजर टिक गई। फिर शुरू हुआ सिलसिला हिट फिल्मों का। ऋषि कपूर के साथ कर्ज 1979 में आई, उन्हें मजबूती से इस फिल्म से स्थापित मिला। पर्दे पर उनकी जोड़ी कमाल की जमती थी। राजेश खन्ना, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े नामों के साथ भी इन्होंने काम किया। फिल्म रॉकी 1981 में आई, 50-50 1981 में, सौतन 1983 में। ये फिल्में उनकी यादगार फिल्मों में शुमार होती हैं। टीना हीरोइन से ज्यादा एक आइकॉन बनती जा रही थी मगर ये सब चकाचौंध उन्हें लुभा नहीं पाई। कैमरे के पीछे का ये जंजाल उन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आया। वो इंटरव्यू देने से कतराती थी। वो अफवाहों से दूर रहना पसंद करती थी। वो बस एक बेहतरीन अदाकारा बनना चाहती थी, जो कि वो बनी। फिर अचानक से एक सवाल खड़ा हो गया कि आखिर टीना कहाँ गायब हो गई। 1987 में कॉलेज की पढ़ाई के लिए कैलिफोर्निया जाने का फैसला कर उन्होंने सबको चौंका दिया।
31 साल की उम्र में करियर के उच्चतम पड़ाव पर वो थीं और उन्होंने ये फैसला लिया। ये फैसला किसी पहेली से कम नहीं था। कुछ का कहना था कि राजेश खन्ना के साथ रिश्ते में आई दरार ने उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया, तो वहीं कुछ लोगों का मानना था कि वो शांत और साधारण जिंदगी जीना चाहती हैं। एक एक्ट्रेस के रूप में टीना मुनीम काफी सफल रही, लेकिन फिल्मों से ज्यादा वो अपने लव अफेयर्स को लेकर सुर्खियों में रही। एक समय था जब संजय दत्त के साथ उनका जोरदार अफेयर चल रहा था। 1981 में आई फिल्म रॉकी में टीना मुनीम ने संजय दत्त के साथ काम किया था। ये संजय दत्त की डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। टीना मुनीम संजय दत्त के प्यार में पागल थी, लेकिन संजय दत्त की ड्रग्स की लत की वजह से बाद में वो उनसे दूर हो गईं। संजय दत्त के बाद टीना मुनीम के जीवन में आए राजेश खन्ना। राजेश खन्ना के साथ अफेयर चला। राजेश खन्ना टीना मुनीम से काफी बड़े थे। दोनों लिव इन में काफी समय तक साथ भी रहे, लेकिन शादी नहीं की। फिर टीना मुनीम की जिंदगी में एंट्री हुई अनिल अंबानी की। अनिल अंबानी ने पहली बार टीना मुनीम को एक शादी के फंक्शन में देखा था। अनिल अंबानी ने एक बार कहा था कि उन्हें टीना मुनीम से पहली नजर में प्यार हुआ था। टीना शादी में ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर आई थी। अनिल अंबानी को वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगी, लेकिन उन दोनों के बीच शादी के फंक्शन में कोई बातचीत नहीं हुई थी। कुछ समय बाद अमेरिका के फिलाडेल्फिया में अनिल अंबानी और टीना मुनीम की मुलाकात हुई। वहां वो दोनों एक क्लोज फ्रेंड के जरिए मिले थे। तब अनिल अंबानी ने टीना के सामने कहीं घूमने जाने का प्रस्ताव रखा। उस वक्त टीना एक बड़ी स्टार थी। उन्होंने अनिल अंबानी के उस ऑफर को ठुकरा दिया था। धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे और मशहूर उद्योगपति अनिल अंबानी से इनका लंबे समय तक अफेयर चला। इनकी शादी में काफी अड़चने आई। अनिल और टीना शादी करना चाहते थे, लेकिन अंबानी फैमिली इसके लिए तैयार नहीं थी। धीरूभाई अंबानी का परिवार काफी ट्रेडिशनल था। उनका मानना था कि फिल्मी बैकग्राउंड की ये लड़की उनके फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। अनिल अंबानी ने अपनी बात मनवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद टीना मुनीम अपनी बच्ची कुची फिल्मों को पूरा करने के बाद इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। दोनों के बीच करीब 4 साल तक कोई संपर्क नहीं रहा। कभी कभार बात हो जाती थी। अनिल अंबानी ने किसी दूसरी लड़की से शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। अंबानी परिवार को ये बात समझ में आ गई थी कि अनिल टीना के अलावा किसी और से शादी नहीं करेंगे, तो बाद में वो लोग इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। साल 1991 में दोनों एक दूसरे के हो गए। टीना ने अनिल अंबानी से शादी करके पूरी तरह फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली थी। वो एक सफल बिजनेसमैन की पत्नी, 2 बच्चों की माँ है। अनमोल अंबानी और जय अंशुल अंबानी, ये 2 इनके बेटे हैं। ये पिता के बिजनेस का काम देखते हैं। ये पब्लिकली कम ही नजर आते हैं। टीना अंबानी अब ग्लैमर की दुनिया से दूर रहती हैं और समाज सेविका के रूप में जानी जाती हैं। टीना मुनीम का फिल्मी सफर भले ही लंबा ना रहा हो, मगर उनका जादू आज भी बरकरार है। वो एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने शोहरत से दूरी बनाए रखी और अपनी शर्तों पर जिया। उनकी खामोशी ही उनकी कहानी कहती है। सो दोस्तों, उनकी सादगी ही उनकी सुंदरता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी और टीना मुनीम की आपने कौन कौन सी फिल्में देख रखी हैं, कौन सा गाना आपको उनका ज़्यादा पसंद है। मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए और मेरा सपोर्ट ज़रूर करिए।